करते हैं फैशन ब्यूटी एंड लाइफस्टाइल पे। तो मेरा आज का वीडियो है बेस्ट ओटमिल स्क्रब। इस वीडियो में मैं आपसे बहुत ही अमेजिंग सा ओटमिल स्क्रब शेयर करूंगी जिसे बनाने के लिए हमें सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स चाहिए। और सबसे बेस्ट बात तो ये है कि आपको मार्केट जाने का भी कोई जरूरत नहीं है, सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स आपको घर पे ही मिल जाएंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं आज का वीडियो और एंड तक मेरे वीडियो में बने रहिएगा। पहले हमें चाहिए 1 टेबलस्पून ओट्स फ्लोर। ओट्स को मैंने हल्का सा मिक्सर में ब्लेंड कर लिया है। 1 टीस्पून सी सॉल्ट एंड 1 टीस्पून ऑलिव ऑयल। आप कोई भी ब्रांड का ऑलिव ऑयल यूज कर सकते हैं। हमें एक बाउल ले लेना है। बाउल में हम 1 by 1 सारे इंग्रेडिएंट्स को ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून ओट्स फ्लोर, 1 टीस्पून सी सॉल्ट एंड 1 टीस्पून ऑलिव ऑयल। अब हमें ये सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लेना है। अगर आपका स्क्रब ठीक है तो आप वाटर या रोज वाटर भी थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं। अब हमारा जो स्क्रब है फेस में अप्लाई करने के लिए बिल्कुल रेडी है। हमें ये स्क्रब को अपने पूरे फेस में इवनली अप्लाई कर लेना है। आप चाहे तो फिंगर टिप से भी अप्लाई कर सकते हो। ओट्स हमारे स्किन को, कॉम्प्लेक्शन को ब्राइटेंस करता है, लाइटेंस करता है, डेड स्किन रिमूव करता है। सॉल्ट एक बहुत ही अच्छा टैन रिमूवल इंग्रेडिएंट है, हमारे स्किन के टैन रिमूव करने में हमारा बहुत हेल्प करता है। और ऑलिव ऑयल बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइजर है और हमारे कॉम्प्लेक्शन को भी ब्राइटेंस करते हैं। ये फेस स्क्रब को आप हफ्ते में 2 बार लगाए फॉर दी बेस्ट रिजल्ट। और पूरे फेस में इसे लगा लेने के बाद हमें ये स्क्रब को कम से कम 10 to 15 मिनट्स के लिए ड्राई होने देना है। अब मेरा ये फेस स्क्रब बिल्कुल ड्राई हो चुका है, हमें इसे ठंडे पानी से वॉश कर लेना है। मैंने अपना फेस वॉश कर लिया है। मुझे मेरा फेस बहुत ही ज्यादा ग्लोई और सॉफ्ट लग रहा है। आप देख सकते हैं मेरे दोनों स्किन में कितना डिफरेंस है। ये बहुत ही अच्छा स्क्रब है। सबसे बेस्ट पार्ट तो ये है ये ऑल टाइप्स ऑफ स्किन के लिए सुइटेबल है। सो गाइस, ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो। आपको मेरा ये ओटमिल स्क्रब कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और मेरे वीडियो अगर अच्छे लगते हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। और हाँ, मैं अपने हर वीडियो में आपको ये चीज बोलना भूल जाती हूँ कि बेल आइकन को भी जरूर हिट करिए ताकि मेरा कोई भी न्यू वीडियो आए सबसे पहले आपके पास पहुंचे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। बाय बाय।